हिंदुस्तान के नक्शे पर ये वो राज्य हैं जिनके नतीजे पर लोकसभा चुनाव के बाकी बचे दौर में सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन चार राज्यों में कुल 113 सीटें हैं। 2014 में एनडीए ने इनमें से 103 सीटें अपने नाम की थी, यानी लगभग क्लीन स्वीप करते हुए 91% सीट अपने नाम कर ली थी। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी, तो मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें जीती थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, जबकि महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटें बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने अपने नाम की थी। अब एक बार फिर कामयाबी का ऊंचा ग्राफ दोहराने की चुनौती है, इसीलिए अब तक के वोटिंग ट्रेंड को समझना जरूरी है। अब तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र की कुल 113 में से 78 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की सभी 48, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर, राजस्थान की 25 में से 13, तो मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 9 राज्यों की 72 सीटों पर चौथे चरण में करीब 64% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में चौथे दौर में 17 सीटों पर शाम 5 बजे तक 58.23% वोटिंग रिकॉर्ड किया गया। इन सीटों पर 2014 में 55.58% मतदान हुआ था, यानी ये पिछली बार से 2% से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो चौथे चरण से यहां वोटिंग की शुरुआत हुई है। राज्य की 29 में से 6 सीटों पर 65.77% वोटिंग हुई, जबकि 2014 में इन सीटों पर 64.88% मतदान हुआ था, यानी मतदान का प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा है। राजस्थान की बात करें, यहां की 13 सीटों पर शाम 6 बजे तक 66.28% मतदान हुआ। ये 2014 के 25 सीटों के औसत मतदान से ज्यादा है। 5 साल पहले राज्य की कुल सीटों पर 63.09% वोटिंग हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी 3 चरणों में कुल 11 सीटों पर 71.48% मतदान हुआ। ये 2014 में 69.54% था, यानी पिछली बार से इस बार 1.94% ज्यादा मतदान हुआ। यानी इन चारों राज्यों में 5 साल के मुकाबले ज्यादा मतदानों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है या फिर ले रहे हैं। साफ है कि इसका नतीजों पर बड़ा असर हो सकता है। वोटिंग टर्न आउट बढ़ने के कई बड़े संकेत होते हैं, लेकिन असर क्या होगा इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।